हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मी पायलट टेस्टर प्रोग्राम के बारे में। MIUI 14 के लिए यहाँ पे दोबारा मी पायलट टेस्टर प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है, तो जिन्होंने अभी तक उसे ज्वाइन नहीं किया है वो आज ज्वाइन कर सकते हो। सो काफ़ी अमेजिंग आज की वीडियो होने वाली है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है दोबारा स्टार्ट किया गया 5 अक्टूबर को, जो कि आप चेक कर सकते हो, कल ही स्टार्ट किया गया। सो काफ़ी अमेजिंग आज की वीडियो होने वाली है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा आपको इसे कैसे ज्वाइन करना है, फुल प्रोसेस बताऊंगा। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को फुली वॉच कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यहां से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो Xiaomi MIUI 14 Mi Pilot Tester प्रोग्राम स्टार्टेड, और डेट भी आप चेक कर सकते हो 5 अक्टूबर 2023, यानी कल की डेट है, कल ये स्टार्ट किया गया था। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है और आपको ये लिंक मिल जाएंगे जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ये डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड किया है जिससे आप सीधा इस वाले पेज पे आ जाओगे। ये इंडिया रोम के लिए लिंक है, ठीक है, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। सो आपको क्या करना है, सिंपली इस लिंक पे आके आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देखोगे आपको ऐसा कुछ पेज आएगा, आपको यहाँ पे अग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देखोगे आपको क्वेश्चंस पूछेगा यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन पे यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा, आपको यहाँ पे भी नेक्स्ट यस पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यानी सभी पे यस पे क्लिक करना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे 18 ईयर्स एंड अबव कर दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है यस पे क्लिक कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इस पे आपको यस पे क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, यानी यस की परमिशन आपको देनी है हर जगह, यस ही आंसर देना है। उसके बाद यहाँ पे दोबारा यस कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको रीड केयरफुली पे क्लिक करना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे डिवाइस है, जैसे MI का है तो MI सेलेक्ट कीजिएगा, Redmi है, Poco है, जो भी आपका डिवाइस है उसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। MI यानी Xiaomi, Redmi और Poco का डिवाइस आपको देखने को मिलता है। सो मेरा यहाँ पे Redmi है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना डिवाइस यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो भी आपको देख सकते हो लिस्ट देखने को मिल जाती है, जो भी आपका यहाँ पे डिवाइस है आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा डिवाइस ये है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है आपको और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी MI ID देनी है, तो वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, आपको आ जाना है यहाँ पे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे Xiaomi अकाउंट या मी अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको ऊपर अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखोगे आपको मी ID आपकी देखने को मिल जाएगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ये देख सकते हो कॉपी हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है साइड पे दोबारा और यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद आपका IMEI नंबर मांगेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आ जाना है अपने डायलर में। यहाँ पे आने के बाद आपको एक कोड डायल करना है जो कि *#06#, आप यहाँ पे डायल करोगे तो आप देखोगे आपको आपके IMEI नंबर देखने को मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, बस इस पर टैप एंड होल्ड करना है। आप यहाँ पे देखोगे आपको कॉपी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करके इसे कॉपी कर लेना है। सो कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बैक आ जाना है साइड पे, साइड पे आओगे आपको यहाँ पे आके पेस्ट कर देना अपने IMEI नंबर को। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, दोबारा आपको यस करना है। आपकी यहाँ पे इंडिया स्टेबल रोम है तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है यस लिख के। उसके बाद आप देखोगे आपको यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द क्लोज बीटा यूजर परमिशन, प्लीज वेट पेशेंटली फॉर अप्रूवल, थैंक यू। आपकी ये जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे जो है भेज दी गई है, यानी आप बीटा टेस्टर प्रोग्राम के लिए जो क्लोज था उसके लिए आपने सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया है, अब आपको अप्रूवल के लिए वेट करना है, ठीक है। तो आप ऐसे करके इसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी आज की कुछ इन्फॉर्मेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।